हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जेई का पार्ट 5, जो 24 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, उसका हम 20 क्वेश्चन लेने वाले हैं। आज का जो है, पहले तो हम 81-80 तक टोटल क्वेश्चन देख चुके थे। अब हम अगला जो 81 का क्वेश्चन देखते हैं, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ सिंगल फेस 111 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ सप्लाई इज़ कनेक्टेड टू अ क्वाइल विथ 200 टर्न ऑफ अ क्वाइल कोर असेंबली एज शोन इन फिगर। ये शोन इन फिगर दिए हुए हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है। इसका मतलब होता है 5 एम का मान निकालना है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, 4.445 mFn होता है। ठीक है, तो हमें ये फाइव एम का मान निकालेंगे, तो 5 एम इज इक्वल टू क्या होगा, ई बाई 4.44 fn ये हो जाएगा। तो इसी को ही रख देंगे। क्या क्या दिया है, ई का मान कितना दिया है, 111 दिया है बाई 4.44 इनटू फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, 50 हर्ट्ज़ है, और हमारा जो है नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ से निकालेंगे, 200 हो जाता है। तो 200 जब ये सभी को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, तो नॉर्मलता हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है पॉइंट को हम लोग यहाँ से काट सकते हैं, ये 1 और 2 इससे काट सकते हैं। अब यहाँ से जो है 111 फोर बार में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये और यहाँ पर होता है 5 दूनी 10, तो इस प्रकार से हमारा होता है 1/400 आ जाता है। ठीक है, अब ये 1/400, अब इसको हम जब कंप्लीट ऊपर ले जाएंगे तो हमारा कितना से जाता है, यहाँ पर तो 0 0 को रहने दो, तो यहाँ पर जाता है 4 0 0, 4 2 8 और 4 5 20, और यहाँ पर जाता है 2 0 ऊपर में इंटू 10^-2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 यहाँ कितना आ गया, 0.25 × 10^-2 आ गया। अब देखते हैं कि ये जो हमारा होता है ये ऊपर चला गया ना, तो ऊपर चला गया तो हम देखते हैं कि जो टू ये इस सीरीज़ में है क्या 25 आएगा क्या, नहीं आएगा हमारा, तो अच्छा मिली में चेंज कर देते हैं, तो 2.5 × 10^-3। तो ये कहाँ पर है ये देखते हैं, तो ये हमारा तो है बी आंसर है। डी आंसर टिक नहीं लगाना है, बी को ही टिक लगाना है, क्योंकि इसको अच्छे सरलता से सॉल्व करना रहता है, क्योंकि यहाँ पर मिली वेबर में है इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे तो है ये हमारे तो है नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है ना। फॉर अ सीरीज आरएलसी सर्किट बोला है, इसमें क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करना है। तो हम जिस प्रकार से क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं, तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है हमारा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाई बैंडविथ। ठीक है ना, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाई बैंडविथ ये हमारा होता है ए आंसर में है, इसलिए ये सही हो जाता है। अब देखिए आरएलसी सीरीज सर्किट में हम लोग और कुछ टर्म देख लेते हैं, जो इसका होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस जो बोला जाता है, सॉरी ये जो है जो हमारा यहाँ पर डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, आर सी बाई एल होता है सीरीज़ के केस में। ठीक है, अगर यदि हम पैरेलल के केस में देखते हैं, पैरेलल आरएलसी के केस में देखते हैं, तो हमारा होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, एल बाई सी आर हो जाता है। ठीक है ना, ये हमारा होता है सीरीज़ के केस में है, और ये हमारा होता है पैरेलल के केस में है। अब सीरीज़ ये जो होता है सीरीज़ के केस में हमारा होता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होता है, ये 1/2 π√LC होता है। ठीक है, तो ये होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पैरेलल के केस में आरएलसी सीरीज सर्किट में क्या होता है हमारा, 1/2 π√1LC − R² / L² होता है। ये इतना चीज़ को याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि आरएलसी सीरीज सर्किट में क्वालिटी फैक्टर को पूछा जाता है, तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, देख सकते हैं कि WL/R। ठीक है, यहाँ से सब निकालेंगे जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे, तो 1/R√L/C ये जो होता है क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है। तो ये सभी चीज़ को याद रखने वाली चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि
एनपीएन और पीएनपी ये कौन सा टाइप्स का होता है? ये हमारा एक ट्रांजिस्टर होता है जो एनपीएन और पीएनपी जिस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, और यहाँ पर एक ये अंदर की साइड होता है, ये हमारा इमीटर को शो करता है, कलेक्टर को और बेस को। जो अंदर का साइड होता है इसको हम लोग होता है पीएनपी बोलते हैं, ठीक है। अब वैसी सेम हमारे होता है एक बाहर का साइड में होता है, तो बाहर का साइड में इमीटर कलेक्टर, ठीक है, और ये हमारा बेस, तो इसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बोला जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा तो है अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि अगला क्वेश्चन में एन इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर अ क्वालिटी एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट, ठीक है, एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्वालिटी क्वालिटी आर टू बी द सेम। हाउवर द मेजर वैल्यू आर डिफरेंट अ सेट फाइव मेजरमेंट दैट वर रिकॉर्डेड एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट 98 ये 101 99 100 एंड 102। फाइंड प्रिसीजन ऑफ थर्ड मेजरमेंट। देखिए इसमें क्या है, थर्ड मेजरमेंट को जो प्रिसीजन इसका फाइंड करना है, तो इसके लिए हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ये सभी का एवरेज वैल्यू क्या होगा, ये सभी का हमारा एवरेज वैल्यू क्या होगा, 98 प्लस 101 प्लस 99 प्लस 100 भाई ये कितना है 1 2 3 4, एक और है 102, ये टोटल हमारा 5 है। तो ये जब सभी को कैलकुलेट करेंगे तो सभी के कैलकुलेट करने पर हमारा कितना आता है 100, ये हमारा होता है एवरेज वैल्यू आता है। तो हमारा होता है प्रिसीजन जो फाइनल अगर यदि कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमारा क्या होता है 1 माइनस ये हमारा होता है एवरेज, ठीक है। तो ये जो है थर्ड वैल्यू को प्रिसीजन करना है, थर्ड मेजरमेंट को करना है, तो थर्ड मेजरमेंट हमारा क्या होगा 99, तो 99 माइनस ये हमारा होता है एवरेज वैल्यू क्या है 100 बाई एवरेज वैल्यू 100। इस चीज़ को फाइंड करना है, तो जब फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन करने पर हमारा होता है आंसर 0.99, ये जो होता है सी आंसर आ जाता है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि अ लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर कंडक्टर प्लेस्ड इन एयर इज कैरी अ करेंट ऑफ 250 एम्पियर, फाइंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर। देखिए इसमें क्या चीज़ है कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकालना है, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है एज का मान होता है, ठीक है। तो एज का मान हम लोग दो हैं, एक जो है एन आई बाई एल होता है, और एक जो इसका दूसरा फार्मूला होता है आई बाई 2πr। ये दोनों फार्मूला को याद रखना हमेशा, ये कोई भी इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया रहेगा, तो आई दिया है, आई दोनों में है, चलो ठीक है। ये हमारे तो है एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो हमारा कि क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस जो है इसमें है क्या एल है, ये तो एल अलग है, लेकिन हमारा ये जो होता है आर है, आर जो है ये कंडक्टर का जो होता है एक रेडियस को शो करता है, ठीक है, जो 5 सेंटीमीटर के ही रूप में ये हमारा रहता है। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि आई कितना है 250, ठीक है, और 2 और पाई इंटू ये जो है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हमेशा मीटर में ही इसको ऐड करना रहता है, क्योंकि यहाँ पर तो है मीटर में है, इसलिए हम तो है मीटर में चेंज करते हैं, तो 10^-2, ठीक है। अब जब फाइनल सभी को कैलकुलेट करेंगे, तो जब सभी को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या आता है कि 5 × 2 = 10 आ जाएगा, ठीक नहीं, तो 10 आएगा तो 2π ये जो है एक जीरो कट जाता है, ठीक है। अब इस प्रकार से यहाँ पर तो है ये ऊपर चला जाता है, तो 25 ये 10^-2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा तो है डबल जीरो हो जाता है 25/2500/5। ये कहाँ पर आंसर है, ये हमारा तो है डी में आंसर आ जाता है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा तो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि द इम्पिडेंस ऑफ
सर्किट प्लेस्ड अक्रॉस ये 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स इज़, ये हमारे तो इम्पीडेंस दिया है। तो फाइंड करंट को फाइंड करना है, तो करंट को फाइंड करना है, देखिए वोल्टेज दिया है, इम्पीडेंस दिया है, जेड का मान दिया है, तो आई का मान फाइंड करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर होगा। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो वी हमारा कितना है 120 है, ठीक है 120। और जेड आर इसका मतलब जेड है, तो जेड क्या है 10 प्लस जे 20 है। अब देखिए अब हमें जो होता है इसको ऊपर ले जाना है, तो ये हमारे होता है ऊपर ले जाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 10 माइनस जे 20 बाई 10 माइनस जे 20, ये इतना जब करेंगे तो हमारा क्या होता है कि 120 और 10 माइनस जे 20। अब जब इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना होता है 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हमारा होता है जे का स्क्वायर है, इसलिए होता है यहाँ पर प्लस हो जाता है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक नहीं। तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और यहाँ पर होता है 400, 100 400 कितना हो जाता है हमारा टोटल अगर देखा जाए तो 500 हो जाता है, ठीक नहीं। तो 500 और 120 और यहाँ पर होता है 10 माइनस जे 20, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा और यहाँ से जाता है ये 10 10 यहाँ से कट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना आ जाता है 5। अब इस फॉर्म में हम जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तो 12, तो 5 2 10, ठीक है 5 2 10 और 5 4 20, ये हमारे होते हैं 4। अब ये जो है हमारा जो है माइनस है, तो माइनस जे, अब यहाँ पर होते हैं 12 2 24, 12 2 24 इसका मतलब क्या होता है 5 4 20, ठीक है 5 4 20 और 5 5 8 40। सो इस प्रकार होता है 2.4 माइनस जे 4.8, ये डी आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि इन एन अल्टरनेटर के केस में द नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज जीरो पावर फैक्टर लीडिंग को बोला है। देखिए यहाँ पर हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ें, बहुत सारे इसमें अच्छा अच्छा चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जीरो पावर फैक्टर ये बोला है, तो जीरो पावर फैक्टर के केस में अगर यदि लीडिंग है, ठीक नहीं सॉरी लैग है, अगर यदि लैग के कंडीशन में अगर यदि आ जाता है तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है जो जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को शो करता है, ठीक नहीं प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को ही शो करेगा। अगर यदि जीरो पावर फैक्टर लीड के केस में है हमारा होता है अल्टरनेटर, ठीक है, तो हमारा होता है डीमैग्नेटाइजिंग, प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग को शो करता है, ठीक है। अगर यदि हमारा होता है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग के केस में होता है तो हमारा यहाँ पर होता है पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक नहीं पार्शियली जो होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पार्शियली जो होता है डी मैग्नेटाइजिंग सॉरी एक यहाँ शुरू से देखते हैं। अगर यदि जीरो पावर फैक्टर तो है लैग के कंडीशन है तो इस कंडीशन में हमारे तो है डी मैग्नेटाइजिंग को शो करता है, डी मैग्नेटाइज हो रहे हैं, ठीक है। अगर यदि जीरो पावर फैक्टर लीड के कंडीशन में करता है तो हमारे तो है मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। अगर यदि जीरो पावर फैक्टर लैग के कंडीशन में होता है तो हमारे तो है पार्शियली डी मैग्नेटाइजिंग और पार्शली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को शो करता है। अगर यदि 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग को शो करता है तब के कंडीशन में हमारे होता है पार्शियली मैग्नेटाइजिंग, ठीक नहीं पार्शियली हमारे होता है मैग्नेटाइजिंग और पार्शली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को शो करता है। अगर यदि यूनिटी पावर फैक्टर पर के केस में होता है तब के कंडीशन में हमारे होता है प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को शो करता है। तो इसमें जीरो पावर फैक्टर लीडिंग के केस में होता है, तो जीरो पावर फैक्टर लीडिंग का केस ये हमारा है, तो जीरो पावर फैक्टर लीडिंग के केस में हमारा क्या होगा हमारा ठीक है ना जीरो पावर फैक्टर के क्या हमारा क्या होता है हम मैग्नेटाइज हो रहे हैं, ये आपस में तो दोनों मैग्नेटाइज हो रहे हैं, तो हमारा डी फाइनल आंसर हो जाता है। ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को सॉरी डी मैग्नेटाइजिंग को शो कर रहे हैं, ये मैग्नेटाइजिंग को शो कर रहे हैं और ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को शो कर रहे हैं, इस चीज़ को याद रखना।
हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस, ठीक नहीं, प्रोसीजरमेंट प्रोसेस ये है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेप, ठीक नहीं, फर्स्ट जो मटेरियल है, एनी मटेरियल का है, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे, तो है सबसे पहले इसका डिमांड होता है, ठीक नहीं, डिमांड होता है, उसके बाद फिर परचेस ऑर्डर, पेमेंट, ये सब चीज़ होता रहता है। तो सबसे पहले तो है डिमांड को ही शो करते हैं फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि ये जो होता है, ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल किसका होता है। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कितना होता है, यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि सॉरी यहाँ पर जिस प्रकार से देख सकते हैं, ये हैं बहुत ही अच्छे से देखने के लिए। देखिए यहाँ पर जो है हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इसका जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 होता है, ठीक है। तो सबसे बड़े बड़े हमारे होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है, उसके बाद फिर सेकंड में हमारा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का होता है जो 1 से बड़ा होता है, और थर्ड में हमारा होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल का होता है जो 1 से कम होता है, और एक होता है हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है हमारा सिर्फ एक होता है जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबका अलग अलग है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आयरन, निकेल, स्टील ये सब आ जाता है, और फेरामैग्नेटिक मटेरियल में हमारा होता है मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये है मोलिब्डेनम, लिथियम, टेंटेलम ये सब आता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल में हमारा होता है बिस्मथ, कार्बन, ठीक नहीं, पायरोलिटिक ये सब आता है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में हमारा होता है कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ग्लॉस है, एयर है, वुड है, ये सब आते रहते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एसी एनएसी सोर्स इज कनेक्टेड आर एल, देखिए एक आर है एक एल है, सीरीज सर्किट है, द फेज ऑफ सोर्स करंट, ठीक नहीं, सोर्स करंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू सोर्स वोल्टेज। देखिए यहाँ पर जो है अगर यदि इंडक्टर के केस हैं, तो इंडक्टर केस हैं तो हमारे जो है वी एल वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है, ये हमारे होते हैं लाइन करंट से 90 एंगर क्या करता है, लैग करता है, ठीक है नहीं। तो जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बनाते हैं, ये हमारे होते हैं एक साइनोसोइडल वेव है, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ये होता है इंडक्टर के केस में। तो इंडक्टर केस में यहाँ से तो यहाँ पर हमारे होते हैं -90 को शो करता है, ठीक नहीं, यहाँ पर होता है -90 को शो करेगा, तो 90 से हमारे होते हैं 0 तक जाता है, तो -90 से 0 तक हमारा ये लैगिंग को शो करता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखिए डिटरमाइन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द लाइन वोल्टेज फ्रॉम 120 वोल्ट टू 72 वोल्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ डिवाइस, द डिवाइस इज रेटेड फॉर 120 वोल्ट 100 वाट। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि ये एक 700 जो एक रेजिस्टेंस है, ठीक नहीं, जो तो है 700 वोल्ट है, जो 700 वोल्ट है ये हमारे जो है पहले जो है 120 वोल्ट था, इसको 700 वोल्ट में चेंज किए हैं, ठीक नहीं, 700 वोल्ट में चेंज किए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं कि इसका जो है जो इसका हमारे जो है वोल्ट दिया और 100 वाट दिया है, तो ये दोनों का हमारा जो है रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, यही रेजिस्टेंस हमारे इसको शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वेयर बाई पी, तो वी स्क्वेयर कितना होगा 120 इंटू 120 बाई पी, कितना होता है हमारा 100, तो ये 100 होगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं कि 00 यहाँ पर रहता है 12 144 ओम, ये जो 144 ओम हमारा होता है 70 वोल्ट का होगा, ठीक है,
जब हम लोग इसमें चेंज किए हैं तब के कंडीशन में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए अब हमारा जो होता है यहाँ पर कितना आया था, ठीक है ना, अब यहाँ पर कितना आया था हमारा जो जब फाइनल कैलकुलेट किए थे, ठीक है ना, तो जब फाइनल कैलकुलेट किए थे तो 144 ओम आया था, किसके केस में, 700 वोल्ट के केस में। अब इस केस में हम आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, ठीक नहीं, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तब हमारा 120 वोल्ट हो जाता है, ये बोला है हमें, ठीक है। तो हम आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान ही फाइंड करना है, तो यहाँ से हमें पता चल गया 120 और 72 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर करंट और यहाँ पर करंट दोनों का करंट सेम है, तो I इज इक्वल टू कितना होगा, V बाई R, तो V इसमें कितना है, 72 बाई 144 इज इक्वल टू, यहाँ पर I कितना है, I इज इक्वल टू V बाई R, तो 48 बाई R एक्सटर्नल, ठीक है नहीं। तो इसमें अगर ये फाइनल हम कैलकुलेशन करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये हमारा होता है आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 48 इंटू 144 बाई 720। जब इसको हम फाइनल सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है, 96 ओम आ जाता है। सो बी हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। देखिए अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जो है क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि प्योर रेजिस्टेंस के लिए, प्योर रेजिस्टेंस अगर यदि होता है तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि जो भी आर है, ठीक नहीं, वही हमारा जो है आई आर होगा, तो इसका जो है फेज डिफरेंस जीरो के कंडीशन में होता है, अगर यदि प्योर रेजिस्टेंस है तब के कंडीशन में, ठीक है। इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ये तो देखिए एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स कैसे होता है, ये जो है इसमें बहुत सारे जो कंडक्टर होते हैं और एक बीच में एक जो है स्टील, यहाँ पर तो है साइड साइड में हमारा होता है एल्यूमिनियम का रहेगा और बीच में एक स्टील का रहेगा, ये सभी का एक मिक्सचर को हम एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स बोला जाता है। तो इस कंडीशन में क्या चीज़ ट्रू है और क्या चीज़ फॉल्ट है, इस चीज़ को बोला है। तो देखते हैं कि इट इज़ चीपर देन कॉपर कंडक्टर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारे तो है कॉपर से चीपर होता है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि कोरोना लॉस इज रिड्यूस्ड, ये भी सही हो जाएगा, इन इट बिकॉज ऑफ लार्जर डायमीटर ऑफ कंडक्टर, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर में कि देखते हैं कि इट हैज़ लेज़र मैकेनिकल स्ट्रेंथ, देखिए इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि बीच में एक स्टील मिला रहता है, ये हमारा होता है स्टील जो होता है इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बहुत ही अच्छा बना देता है, इसलिए ये सी हमारा गलत है। तो ए बी सही है, ए बी सही किस में है, ए और बी सही है और सी हमारा रहता है गलत है, तो सी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम और क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पर तो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बोला जाता है, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मतलब होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसको जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में ये इतना सब चीज़ है, ठीक नहीं, तो इसमें कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वुड है क्या इसमें, नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, यहाँ पर विंड है, जो यहाँ पर विंड दिख रहे हैं, ठीक नहीं, और बाकी जैसे जो तो है ये बाकी हमारे तो है वुड यहाँ पर हैं, ठीक नहीं, पेट्रोल ये मतलब इसका मतलब ऑयल नेचर ये सब हैं और LPG इसी में ही है, तो ये बाकी हमारे तो है कॉन्वेंशनल सोर्स हैं और सिर्फ होता है विंड हमारे होता है नॉन कन्वेंशनल जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। देखिए इसका
क्वेश्चन देखते हैं। अ स्पेशल केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन विच ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज फीडबैक टू इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द OPMP मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कॉल्ड वोल्टेज फॉलोवर। ये जो है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारे जो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसका जो है हमारे जो है ये वोल्टेज फॉलोवर, ठीक है, नहीं नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग, यहाँ से इसका जो है आउटपुट हमारे जो है एक फीडबैक प्रदान करता है इनपुट को, इस चीज़ को हम वोल्टेज फॉलोवर बोला जाता है। इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसका आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इम्पीडेंस चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, ये दोनों का पर यूनिट इम्पीडेंस हमारा जो है सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है जिस प्रकार से बी में लिखते हैं सेम वेदर कंप्यूटेड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, तो बी हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाता है। इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखते हैं कि स्टीम पावर प्लांट में द फंक्शन ऑफ खालिस्तान इज टू यूटिलाइज द वेस्ट हीट ऑफ द फ्यूल गैस फ्लू गैस फॉर हीटिंग द फीड वाटर। देखिए जो फीड वाटर है, फीड वाटर को हीट करने के लिए हमारा यहाँ पर जिस प्रकार से डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो रुकिए डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो फीड वाटर है फीड वाटर को हीट करना है, तो फीड वाटर को हीट करने के लिए फ्लू गैस का जो होता है वेस्ट हीट को यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्लू गैस यहाँ पर दिख रहा है, तो फ्लू गैस को का जो होता है वेस्ट हीट होता है उसको फिर से यूटिलाइज़ हो रहा है, किसके जरिए हो रहा है हमारे होता है इकोनोमाइज़र के जरिए हो रहा है, ठीक नहीं। जिस प्रकार से हम इसको अच्छे से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये हम देख सकते हैं ये इस डायग्राम में, यहाँ पर जो फ्लू गैस यहाँ से आ रहा है, ये फ्लू गैस का जो है वेस्ट हीट होता है इसको हम फिर से रीयूज़ कर पा रहे हैं, ठीक नहीं। किसके जरिए कर पा रहे हैं हम, इकोनोमाइज़र के ज़रिए कर पा रहे हैं, तो इसी को ही पूछा गया था। अब यहाँ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इन अल्टरनेटर इज ऑपरेटिंग विथ यूनिटी पावर फैक्टर लोड बोला है, देन इफेक्ट आर्मेचर रिएक्शन ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स ऑफ द अल्टरनेटर विल बी। देखिए यहाँ पर जो होता है मेन फील्ड फ्लक्स है इसका आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा, सीधा डिस्टॉर्टेड होता है, ठीक नहीं, डिस्टॉर्टेड होता है, इसमें डीमैग्नेटाइजिंग कुछ नहीं होता है, मैग्नेटाइजिंग भी होता है नॉमिनल भी होता है, सीधा डीमैग्नेटाइजिंग जो जिसको होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग भी बोल सकते हैं, सीधा डिस्टॉर्टेड होता है एक दूसरे से, ओके। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ये इसका जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट और आज का फाइनल लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इन अ फैक्ट्री अ थ्री फेस 400 kVA सिंक्रोनस मशीन इज इंस्टॉल्ड अलोंग विथ अदर इंडक्टर मोटर द फॉलोइंग आर द लोड ऑन मशीन। देखिए यहाँ पर इंडक्शन मोटर एक है, इंडक्शन मोटर जो इतना है और एक सिंक्रोनस मोटर इतना है, तो इसमें हम पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर निकालने के लिए हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्टिव पावर अपान अपेरेंट पावर, ठीक नहीं। तो यहाँ पर होता है एक्टिव पावर इस पॉइंट पर भी निकालेंगे और इस पॉइंट पर भी, तो यहाँ पर एक्टिव पावर क्या होता है हमारा, सबसे पहले फर्स्ट में देखते हैं, तो फर्स्ट में हमारा एक्टिव पावर क्या होगा, ठीक नहीं, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है वी आई कॉस फाई होता है, ठीक नहीं, तो पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, तो वी आई तो ये है ही और कॉस फाई ये है, तो 500 × 5.8, तो इतना हमारा कितना हो जा रहा है 400 हो रहा है, ठीक नहीं। ये हमारे तरह एक्टिव पावर है, अब इसी का ही रिएक्टिव पावर क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू वी आई साइन फाई हो जाता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, तो वी आई मतलब 500
इंटू साइन फाई, तो यहाँ पर होता है पावर फैक्टर कॉस फाई होता है, तो इसका साइन फाई क्या होगा 0.6 होता है, हमारे होता है साइन फाई का मान होता है, तो 0.6 यहाँ से निकाल देते हैं, तो 5×6 ये हमारे होता है 300 kVAr, ठीक नहीं, ये हमारे होता है kW में होता है 400, और ये हमारे होता है kVAr में होता है। सो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक 400 का है और एक 300 का है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा होता है 400, ये हमारा पावर फैक्टर था, और यहाँ पर होता है 300 kVAr हो जा रहा है, ठीक नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है हमारा पावर फैक्टर का जो होता है एक्टिव पावर कितना होता है 300 × 1 कितना होगा 300 होगा, 300 kW, और रिएक्टिव पावर कितना होगा, यहाँ पर यूनिटी पावर का पावर फैक्टर 1 है, तो इसका होता है साइन फाई क्या, साइन फाई क्या होगा, तो साइन फाई हमारा होता है 0 हो जाता है, ठीक नहीं, क्योंकि होता है साइन 0 का मान होता है 0 होता है, तो इसलिए हमारा 0 होता है। तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगा, तो इसका रिएक्टिव पावर क्या आप बोलते हैं कि VI sin φ, तो VI sin φ में साइन फाई का मान तो 0 है, इसलिए हमारा होता है रिएक्टिव पावर 0 हो जाता है। सो इस प्रकार से हमारा एक्टिव पावर कितना हो जाएगा, ये हमारा 437 मीन्स 700 W हो जाएगा, ठीक नहीं, और रिएक्टिव पावर हमारा कितना हो जाएगा 300 W हो जाएगा। सो इस प्रकार से ये दोनों का हमारा होता है अपरेंट पावर कितना होगा, अपरेंट पावर हमारा होता है 700 इसका स्क्वायर और 300 का स्क्वायर, ये दोनों का हम जब फाइनल सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 100 ठीक है रेशियो 58 आ जाएगा, ओके। और जब इसको हम और अच्छे से ये हमारा 100 हाँ इतना ही आएगा, क्योंकि जब फाइनल कंप्लीट सॉल्व करेंगे 100 और 58 इतना आ जाता है, ये हमारा होता है अपरेंट पावर आ जाता है, और एक्टिव पावर तो है ही 700। सो यहाँ से हम थोड़ा कुछ मिटा देते हैं, देखिए अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से हम देखते हैं कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर हमारा कितना आ जाता आ गया था 700 आ गया, और अपरेंट पावर कितना आ गया हमारा होता है 100, और यहाँ पर 100√58। सो इस प्रकार से हमारा ये कट जाएगा, तो 7/√58 ये हमारा आंसर आ जाता है। सो इसका जो है ये जो होता है 7/58। अब देखिए यहाँ पर होता है ये होता है ये हमारा होता है 7/58 और 7/58 ठीक है। तो यहाँ पर होता है जो इंडक्शन मोटर है, तो इंडक्शन मोटर का जो है हमारा होता है रिएक्टिव पावर को से ये इस वजह से हमारे होते हैं ये बी नहीं आएगा, ए हमारा होता है आंसर आ जाएगा जो 7/√58 लैगिंग का केस है। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।